और महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर पहली बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना में हुई बगावत पर आदित्य ठाकरे का बयान आया है। ये लड़ाई सत्य और असत्य की है, जो भाग कर गए उनके खिलाफ ये लड़ाई है। आदित्य ठाकरे का यह बयान बागी विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे को लेकर, जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। शिंदे गुट के विधायकों के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं शिवसैनिक। शिंदे गुट के एमएलए प्रकाश सुर्वे के पोस्टर पर कालिख पोती गई। मुंबई के दिंडोशी में शिवसैनिकों ने ये कालिख पोती। देखिए ये तस्वीरें, प्रकाश दादा सुर्वे, उनकी तस्वीर, उनका पोस्टर और शिवसैनिक उस पर कालिख पोत रहे हैं। अब ये शिंदे के गुट में शामिल है, इसलिए शिव सैनिक इनका विरोध कर रहे हैं और पोस्टर्स पर कालिख पोत रहे हैं, चेहरा काला कर रहे हैं। शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, ये फैसला लिया गया है कि किसी भी सूरत में जो बागी हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी उस बैठक में तय हुआ है कि कुल 6 प्रस्तावों को पास किया गया है और साथ में संजय राउत का ये बयान आया है कि गद्दारी करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा और बाल ठाकरे के नाम पर राजनीति मंजूर नहीं होगी। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी नेता एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला। उद्धव ने कहा कि एकनाथ शिंदे को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, शिंदे पहले नाथ थे, अब दास हो गए हैं। बैठक में कहा गया कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब के नाम का दुरुपयोग हो रहा है। इस पर शिवसेना ने चुनाव आयोग जाने का फैसला लिया। मुंबई में शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में ये भी प्रस्ताव पास किया गया कि शिवसेना मराठी असीमता और हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं करेगी। शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, इसमें हमने कहा है बाला साहेब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। शिवसेना भवन में बैठक के बाद बड़े फैसले लिए गए। शिवसेना के सभी निर्णय उद्धव ठाकरे लेंगे। उद्धव को बागियों पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे को सीधे चुनौती है, बाला साहब नहीं अपने पिता के नाम पर वोट लेकर दिखाएं। शिवसेना की मीटिंग में फैसला लिया गया कि शिवसेना के निर्णय लेने की सभी अधिकार पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे। पार्टी से बगावत करने वालों पर एक्शन लेने का अधिकार भी पार्टी चीफ को होगा। पार्टी की मीटिंग में इस पर सहमति बनी कि बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना के नाम का इस्तेमाल कोई भी बागी विधायक नहीं कर सकता। इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से माना गया। बैठक में उद्धव ठाकरे ने बहुत तलक बयान दिया। उद्धव ने बागी विधायकों को साहेब के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी। उन्होंने यहां तक कहा कि हिम्मत है तो बागी विधायक अपने पिता के नाम पर वोट मांगे। उद्धव ठाकरे जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़ कर गए है वो लोग शिवसेना का नाम से हिम्मत मांगे और अगर वोट मांगते है तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं, आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। शिवसेना की बैठक में वेट एंड वॉच की रणनीति बनी। शिवसेना फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के फैसले का इंतजार करेगी। बागी विधायकों के फैसले के बाद ही पार्टी कोई अलग कदम उठाएगी।